नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोटैटो की, हाउ टू ग्रो पोटैटो, कि आलू को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में इस तरह की ये मिट्टी की डेलिया बनाकर उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, आप पोट में ग्रो करना चाहते हैं, तो पोट में आप ऊपर 4 इंच खाली रखिएगा जगह, ताकि उसमें आप बाद में मिट्टी ऐड कर सको। क्योंकि जब ये ग्रो होता है तो इसका जो पौधा होता है वो, इसमें जो ये आपको कलियां दिख रही हैं, ये मेरे पास रखा हुआ था तो इसको मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से ही इसमें ग्रो हो गई हैं। अगर आपके पास ग्रो हुई भी नहीं है तो आप छोटे छोटे आलू जो सब्जियों में आते हैं आप उन्हीं को ग्रो कर सकते हैं, वो भी ग्रो हो जाएंगे। इसमें मैं रख रहा हूँ लगभग 4-5 इंच का डिस्टेंस एक आलू में, आप आराम से रख सकते हैं। आप ऐसे लाइन में लगाते चले जाइए, अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं। अगर आप ग्राउंड में नहीं लगा रहे हैं तो पॉट में लगा सकते हैं। पॉट में आप एक जो 12 इंच का पॉट होता है, 12 इंच का या 18 इंच का, 12 इंच के पॉट में आप 3 आलू लगा सकते हैं। और जो 18 इंच का यूज़ कर रहे हैं तो 18 इंच के में आप 5 लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आलू हम इसी तरह से लगाते चले जाएंगे। तो लगने के बाद अब बात करते हैं लाइट एंड लोकेशन की। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी आती हो। और दोस्तों डायरेक्ट रोशनी, और इसमें वाटरिंग की बात करते हैं, वाटरिंग आप इसमें कम ही रखिएगा, ओवर वाटरिंग से आपके जो आलू हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें हम कम से कम वाटरिंग करेंगे। जैसे हमने लगा दिया है, लगाने के बाद हम ऊपर से हल्का हल्का पानी दे देंगे, ज़्यादा नहीं देना है, तो ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और इसकी हल्की सी गुड़ाई भी होनी जो होती है, जब ये छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे इसके, तो हम इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे। और इसमें आप गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं। इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें उसके लिए आप 50% मिट्टी, 40% रेत और 10-20% गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक अगर आप सब्जी उगाना चाहते हैं तो। और जैसे लगाने के बाद मैं इसके ऊपर मिट्टी ढक रहा हूँ, आप इसी तरह से इनको ढक दीजिएगा मिट्टी से। तो दोस्तों ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आई थिंक आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।